स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश हुकूमत का जो है पहला वायसराय था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो कुछ भी नीतियां बनाई गई, उस नीतियों के वजह से खास करके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति और राइफल में इस्तेमाल किए जाने वाली कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी के लगाए जाने का जो अफवाह था 1857 की क्रांति का मुख्य वजह बना और इसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये घटना घटित हुई थी। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 में आता है और 1861 तक जो है रहता है। इसके शासनकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई उनमें जिस पर प्रश्न पूछा गया, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब लागू किया गया, आईपीसी इंडियन पैनल कोड को कब लागू किया गया, या भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत जो है किया गया था। शुरू करें आज के इस सेशन को। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ और ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1857 में हुआ। कब? 1857 में, 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और कहां कहां पर स्थापना हुई, तो अगर पूछे कि सबसे पहले कहां पर हुई, तो आप कहेंगे कि कलकत्ता में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, 1857 में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जिसको मैंने पहले ही बताया था 1856 से 1861 तक, कलकत्ता। उसके बाद आपका जो है बंबई और मद्रास। मद्रास इन तीनों जो है महानगरों को स्थापित करने का श्रेय भी अंग्रेजों को है और यहां पर तीन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अगर जो है पूछा जाए कि ये स्थापना किस जो है समिति के सलाह पर जो है अगर जो किया गया था, तो इसके लिए सलाह दिया था किसने, तो वुड डिस्पैच। जैसा कि आप जानते हैं वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और ये वुड डिस्पैच जिसको कि मैग्ना कार्टा आप जो है इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में, किसके, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है इसे तैयार किया गया था। और स्पेशली जो है यह विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंधित था। इसके अलावा भारत के विभिन्न 5 प्रांतों में एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और प्रत्येक जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल जो है स्थापित किए गए, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्राथमिक विद्यालयों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रबंध किया गया, जबकि उच्च संस्थानों में अंग्रेजी को वरीयता दिया गया था। और लंदन विश्वविद्यालय के जो है तर्ज पर, किस पर, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई 1857 में। किसके कार्यकाल में, तो जो है आप कहेंगे कि उस समय जो है किसका कार्यकाल था, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। लॉर्ड कैनिंग ये कैनिंग ही था, कैनिंग जो कि 1856 से लेकर 1861 तक रहा था। इसके शासनकाल की दूसरी जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारत वो देश जहां ये आज भी कथन बड़े गर्व से जो है कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और
विदेशी आक्रांताओं के जो है भारत पर आक्रमण करने की वजह से कुछ ऐसे भी जो है कुप्रथाएं सिचुएशन बस परिस्थितियों के बस उत्पन्न हुई, जिसमें कि जौहर प्रथा या फिर सती प्रथा थी। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है प्रयासों से सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को लीगल राइट जो है दी गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, और वो 27 जुलाई 1856 को, कब 27 जुलाई 1856। किसके प्रयासों से? तो आप कहेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो है जिस महानुभाव के द्वारा जो है किया गया था, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह एक्ट पास किया गया। विद्यासागर अगर जो है धारा या सेक्शन 15 के तहत जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लीगल राइट जो है दिया गया, और समाज इसे उस समय भले न स्वीकार कर रहा था, लेकिन इसको कानूनन जो है स्वीकार किया गया, और धीरे धीरे यह भी व्यवस्था जो है भारतीय जनमानस के केंद्र में आई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है उसमें सर्वाधिक प्रयास रहा था, और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल रहा था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था क्या? गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। अब से जो प्रश्न पूछा जाएगा इस पर, किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता जो है दी गई थी, किसके प्रयासों से ऐसा किया गया था, जैसे फैक्ट जो है इसमें पूछा जाता है। कहा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह को लेकर के अलख जगाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामने प्रस्ताव रखा गया कि तुम खुद जो है किसी विडो महिला से शादी कर लो, और इस अधिनियम पर जो है आगे काम किया जाएगा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा किया। डी के कर्वे ने भी जो है ऐसा किया, जो कि उन दिनों विधवा महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय जो है स्थापित कर दिया आगे चल करके। बहरहाल विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 27 जुलाई 1856 को धारा 15 के तहत जो है लीगल घोषित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की जो है सर्व प्रमुख जो घटना थी, और वो थी जो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो है अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कहां से शुरू हुई, तो जो है ये मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से? मेरठ से। कब? तो 10 मई 1857 को। मेरठ उत्तर प्रदेश का जो है शहर है। मेरठ से जो है ये क्रांति शुरू होती है, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इस क्रांति को कहा जाता है कि इस क्रांति की जो है अगर शुरुआत हुई कहां से, तो बैरकपुर की घटना की वजह से। कारण क्या था? बैरकपुर छावनी कांड। और ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि ये हुआ 29 मार्च 1857 को। किसके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया? तो उसके क्रांतिकारी थे जिनका जो है नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को अप्रैल 1857 में जो है फांसी दे दिया गया, और 1857 की क्रांति के जो है पहले शहीद जो व्यक्ति थे वो मंगल पांडे थे, और अंतिम शहीद व्यक्ति थे जिनका नाम तात्या टोपे था, जिनको 1859 में सिंधिया परिवार के लोगों की गद्दारी की वजह से जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया और शिवपुरी किले में जो है फांसी पर लटका दिया था। बहरहाल 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कहां से हुई थी? उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ शहर से हुई थी। इसका जो शुभ चिन्ह था, या लोगो आप कह लें, हमारे लिए तो शुभ था, वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 की क्रांति का जो है ये लोगो था,
या कह लें कि जो है शुभ चिन्ह था। 1857 की क्रांति जो कि मैंने पढ़ाया अलग से पूरा जो है हिस्ट्री में एक क्लास जो है इस पर मैंने जो है लिया है कि मेरठ के बाद जो है क्रांतिकारी सैनिकों का दल दिल्ली में जो है पहुंचता है और दिल्ली के लाल किले पर जो है कब्जा कर लेता है। 1857 की क्रांति के बाद वर्ष 2021 में ऐसा जब घड़ी आई जब सरकार के खिलाफ दिल्ली के लाल किला पर जो है क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। 1857 में सैनिकों ने यह काम किया था और 2021 में किसानों ने यह काम किया था। बहरहाल 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की जो है प्रमुख घटनाओं में से एक रही थी और ब्रिटिश हुकूमत की जो है जड़ें हिला करके रखती। अगर भारतीय राजाओं ने देश के साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद भारत का इतिहास जो है कुछ और रहता। शायद हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 1947 का इंतजार नहीं किए होते, 1857 में ही बेड़ा पार हो गया होता। लेकिन खता लम्हों ने क्या कर दी, सजा सदियों ने पाई है, कीमत कभी उन्होंने चुकाई है कभी इन्होंने चुकाई है। 1857 की क्रांति के बाद ही विक्टोरिया घोषणा पत्र जो है लाया गया और विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत जो है पहला काम किया गया, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया। विक्टोरिया घोषणा पत्र जिसकी की घोषणा जो है की गई 1 नवंबर 1858 को, विक्टोरिया घोषणा पत्र विक्टोरिया डिक्लेरेशन जिसकी घोषणा की गई 1 नवंबर 1858 को, कहां पर इसकी घोषणा हुई थी तो आप कहेंगे इलाहाबाद का मिंटो पार्क। कहां पर? इलाहाबाद का मिंटो पार्क में हुई थी। मिंटो पार्क आज भी है। आप सबको पता है 1857 की क्रांति में एक दिन के लिए इलाहाबाद जो है भारत की राजधानी भी रही थी। इसकी घोषणा जो है किसके द्वारा जो है अनाउंसमेंट किया गया तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है किया गया। और इसे ही आगे चलकर के भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जाना गया। इसके तहत पहला काम किया गया क्या? राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौसी ने बनाया था इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा काम जो है हुआ भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, इनका भी शासन समाप्त। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का जो है यानी ब्रिटिश हुकूमत जो है भारत पर शासन करना शुरू की, ब्रिटिश क्राउन जो है भारत पर शासन करना जो है शुरू किया। यानी 1857 तक हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम रहे थे और उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम रहे थे। इसे भारत शासन अधिनियम 1858 जिसको कि विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जो है जाना गया या इसे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जो है जाना गया, इसी के तहत जो है गवर्नर जनरल को, किसको? गवर्नर जनरल को एक और नाम दिया गया और गवर्नर जनरल को किस नाम से? वायसराय के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? वायसराय के नाम से जाना गया। इसी को सम्मिलित रूप से जो है विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जो है संबोधित किया गया। विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत ही पील आयोग बनाया गया जिसके तहत भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को जो है बढ़ाया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की दूसरी जो है प्रमुख घटनाओं में से एक रही। जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अब गुलाम नहीं ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुए तो ये माहौल बनाया गया कि अब भारत में कुछ भी गलत नहीं होगा, सब सही होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन हुआ वही, सीएजी का जो पद है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसका सृजन जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। कैग अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है तो आजादी के बाद जो है 148 में जो है किया गया। सीएजी का
पद यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड डलहौजी ना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही इस पद का सृजन किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में ही मैंने आप लोगों से अभी बताया कि पील आयोग का जो है गठन किया गया। कौन सा? पील आयोग का जो है गठन किया गया। और पील आयोग का जो है संबंध किससे था? तो आप कहेंगे कि जो है सेना से जो है सैनिकों की संख्या, भारतीय सैनिकों की संख्या को जो है कम किया गया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को जो है बढ़ाया गया। इसी को जो है पील ये काम जो है पील आयोग के रिकमेंडेशन पर, पील कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया, इसीलिए इसे पील आयोग के नाम से जो है जाना गया। आईपीसी इंडियन पैनल कोड को कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1861 में। इंडियन पैनल कोड आईपीसी, जैसा कि आप जानते हैं आईपीसी प्रथम विधि आयोग जिसका गठन किया गया 1834 में। कब किया गया? इसे बनाया गया था 1834 में। किस एक्ट के तहत? तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। जो प्रथम विधि आयोग बनाया गया था इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। कौन अध्यक्ष था? इसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। वही लॉर्ड मैकाले जिसको आधुनिक भारत का जो है मनु कहा गया। क्या कहा गया था इसे? लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारत का मनु कहा गया था। लॉर्ड मैकाले जिसने कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम भी बनाने के लिए जो है यही व्यक्ति जिम्मेदार था, लेकिन आईपीसी को तैयार करने वाला भी व्यक्ति यही था। कौन? लॉर्ड मैकाले। आईपीसी को स्वीकार कब किया गया, एक्सेप्ट कब किया गया? तो आप कहेंगे इसे 9 अक्टूबर 1861 को जो है स्वीकार किया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इसे लागू कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1861 को। इसी दिन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लागू किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तैयार किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय, जी हाँ, भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है मद्रास में हुआ था। कहां पर हुआ? मद्रास में हुआ। उसके बाद कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में उसके बाद कहां पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। बंबई में हुआ था, बॉम्बे में। ये जून के महीने में 1861 में, ये कलकत्ता जो हुआ था जुलाई में 1861 में, और ये अगस्त में 1861 में जो है किया गया। किस एक्ट के तहत? ये क्या एक्ट के तहत किया गया था? तो आप कहेंगे हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत इसकी स्थापना की गई। संस्थापक किसके कार्यकाल में जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही मद्रास, कलकत्ता और बंबई में जो है 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए। लेकिन एट प्रेजेंट अगर जो है पूछा जाए कि भारत में जो है कुल कितने हाईकोर्ट हैं, तो आप कहेंगे एट प्रेजेंट भारत में कुल कितने हैं? 25 हाईकोर्ट हैं, 85। आजाद भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो आपसे पूछा जाए आजाद भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे
असम हाई कोर्ट कसम से, और उसके बाद जो है कहां पर स्थापित किया गया, उड़ीसा में, आजाद भारत का। ओवरऑल कुल कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, 25। नील विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की जो है पहली प्रमुख घटना, और इसको 1859 में हुई, और इसको प्रथम किसान विद्रोह कहा गया, प्रथम किसान विद्रोह कहा गया इसे। नील की खेती करने वाले किसानों का उत्पीड़न किया गया। देश में जब ब्रिटिश व्यवस्था लागू हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन व्यवस्था खत्म हुई, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अब बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हम लोग सोच रहे थे, और जैसा हुआ उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। नील एक प्रकार का तब पौधा हुआ करता था, और उन परिस्थितियों में सबसे अच्छा नील का जो है खेती होती थी, जहां पर धान की जो है खेती अच्छी हो सकती थी। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले बेल्ट में ये नील की खेती कराई जाती थी जबरदस्ती। भारतीय लोगों के लिए उसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि पहनने तक के लिए शरीर पर कपड़ा नहीं था, तो कपड़े पर नील का क्या यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, उसको औने पौने दामों पर यूरोप में बेच करके और मोटा मुनाफा जो है अंग्रेजों के द्वारा कमाया जाता था। भारतीय किसानों का जो है उसके आड़ में शोषण किया जाता था। उसी को लेकर के जो विद्रोह हुआ उसे नील विद्रोह कहा गया। और नील विद्रोह जो है, प्रथम किसान विद्रोह कब हुआ था, 1859 में, और कहां पर हुआ, तो ये आप कहेंगे बंगाल में। इसका श्री गणेश जो है कहां से हुआ था, बंगाल से हुआ था। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे दिगंबर विश्वास। कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों जो है सगे भाई थे। इसीलिए कहीं कहीं लिखा होगा, विश्वास बंधु। हम क्या लिख रहे हैं यार, विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो भाइयों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कहां पर? बंगाल का नादिया जिला, आप बंगाल याद करें, यही बहुत है। और उसका उन दिनों जो है इस नील विद्रोह का जो है सहयोग किया, नील विद्रोह में जो है सहयोग किया जिन लोगों ने, उनमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है विशेष सहयोग था। खास करके जो है इनका उस समय एक समाचार पत्र उसी समय जारी किया गया, जिस समाचार पत्र का नाम था शो, हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ने भी शानदार जो है भूमिका निभाई, और इस आंदोलन को जो है जन जन का आंदोलन बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जिसका परिणाम हुआ कि वायसराय महोदय के द्वारा, यानी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है सीटनकार आयोग, कौन सा? सीटनकार आयोग का जो है गठन किया गया, और सीटनकार आयोग ने जो है जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पर अब भारतीय सैनिक, भारतीय किसानों से मनमानी तरीके से नील की खेती कराना जो है प्रतिबंधित किया गया। जो किसान स्वेच्छा से चाहे वो नील की खेती कर सकता है। हालांकि बाद में उसको जो है एक तिहाई हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य जो है कर दिया गया था, और इस घटना को साहित्य का रूप दिया, जिस लेखक ने, उस लेखक को दुनिया जो है किस नाम से जानती है, जिन्होंने इस घटना पर एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है नील दर्पण। नील दर्पण जो है किसने लिखा था, आप कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, कुछ और जो है घटनाओं को हम लोग देखते हैं, जो कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1859 में ही जो है श्वेत विद्रोह हुआ था, और यह यूरोपीय लोगों के द्वारा जो है किया गया विद्रोह था। हालांकि श्वेत विद्रोह
इससे पहले भी जो है एक बार मैंने पढ़ाया था आपको कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में भी तब सैनिकों के द्वारा वो जो है किया गया विद्रोह था, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया जाता था उसी को जो है व्हाइट रिवोल्ट जो है कहा गया, चाहे रॉबर्ट क्लाइव के समय में चाहे इनके जो है समय में। ये भी जो है कब हुआ, 1855 में, और इसकी भी जो है शुरुआत जो है कहां से हुई थी, तो कलकत्ता नगरी से जो है हुई थी, किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में ये घटना हुई। आयकर प्रणाली लागू, भारत में पहली बार आयकर प्रणाली जो है लागू किया गया, और कब, जब 18 फरवरी वर्ष 1860 को पहली बार जो है बजट प्रस्तुत किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया भारत में, पहली बार भारत में बजट प्रस्तुत किया। और जो है बजट प्रस्तुत करता कौन था, तो आप कहेंगे कि बजट प्रस्तुत करता यानी बजट प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था, जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन महोदय ने पहली बार भारत में बजट ये प्रस्तुत किया 18 फरवरी के दिन, तो जो है इन्होंने आयकर लागू किया, और 500 रुपया जिनकी वार्षिक जो है 500 रुपया जिनकी जो है इनकम थी उस पर कितना जो है टैक्स लगाया गया, 4%। इस तरह जो है बजट और टैक्सेशन सिस्टम जो है भारत में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही अस्तित्व में आया था। भारत में प्रथम बजट अभी मैंने बताया भी था, विश्व में वैसे पहली बार जो है बजट जो है प्रस्तुत किया गया था ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो है संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन भारत में जो है पहली बार जो है बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया, और वो कब किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में किया गया था पहली बजट 1860। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, कब जो है प्रस्तुत किया गया, तो 18 फरवरी के दिन। बाद के दिनों में इसका डेट बदल करके जो है 28 फरवरी या फिर फरवरी का अंतिम मंथ जो है कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार अब इसको जो है कब प्रस्तुत कर रही है, 1 फरवरी को जो है बजट प्रस्तुत कर रही है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है बजट प्रस्तुत करने का जो ये सिलसिला जो शुरू हुआ आज तक बदस्तूर जारी है, जिसे फाइनेंशियल ईयर में जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिसे जो है फाइनेंशियल ईयर से जो है जस्ट पहले इसे जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन, किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित रहा, जो कि आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके इनका विश्वविद्यालय की स्थापना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके अलावा हाईकोर्ट की स्थापना, 1857 की क्रांति, नील विद्रोह, व्हाइट रिवोल्ट, श्वेत विद्रोह, भारत में सीएजी की स्थापना, आईपीसी का लागू किया जाना, सीआरपीसी का लागू किया जाना, और 1857 की क्रांति तो खैर पूछना ही नहीं है। यह भारत का पहला वायसराय था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंतिम गवर्नर जनरल था, ऐसे तथ्य जो है इनसे पूछे जाते रहे हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, अगले क्लास में जब मिलूंगा तो लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत का वायसराय कौन बना, कब तक रहा और उसने क्या किया, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में, धन्यवाद।